प्रेज लॉर्ड हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। हमारे अति पवित्र सभी शक्तिमान प्रभु की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया, मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2022 नवंबर 13 तारीख आशीषित करके दिया है कि हम अपने अति पवित्र सभी शक्तिमान प्रभु की स्तुति करें, आराधना कर सके। इसलिए सुंदर अवसर के लिए दिल से धन्यवाद दे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पिछले दिन भर प्रभु ने हमें संभाला, सुरक्षित रखा। परमेश्वर के दिव्य आशीषों के साथ दिव्य संरक्षण के लिए हम धन्यवाद करें। जिनको भी इस बात का बोध है वो अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद दे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता आपकी सुरक्षा के लिए। रात को जो आपने अच्छी नींद दी उसके लिए धन्यवाद पिता। पिछली रात को आपने हमें संभाला, संरक्षण दिया। हालेलुया, जिनको भी इस बात का बोध है वो हाथ उठाकर धन्यवाद देते रहे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता, धन्यवाद, धन्यवाद। आज के दिन भी आरोग्य के साथ, चंगाई के साथ प्रभु आपने हमें जगाया, उसके लिए धन्यवाद पिता। आप हमें संभालते हैं अपने आरोग्य के साथ। आप जय के उत्सव में हमें लिए फिरते हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। आपने हमें जगाया है, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। आरोग्य के साथ पिता आप जय के उत्सव में यीशु मसीह में हमें लिए फिरते हैं, उसके लिए धन्यवाद, 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 धन्यवाद पिता। हालेलुया, हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। आपकी दया हमेशा के लिए है, उसके लिए धन्यवाद पिता। प्रतिदिन पिता आपकी जो कृपा है हमारे ऊपर बड़ी है, उसके लिए धन्यवाद। आपकी दया हमेशा नई होती जाती है, उसके लिए धन्यवाद, 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 धन्यवाद पिता। हम आपके आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता। हालेलुया, क्योंकि आप इस स्तुति के योग्य है। आमेन, धन्यवाद। जैसे कि भजन संहिता में हम पढ़ते हैं, सैमसन 19 उसका 164 और 165 में लिखा है, तेरे धर्म में नियमों के कारण मैं प्रतिदिन सात बैर तेरी स्तुति करता हूँ। तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है और उनको कुछ ठोकर नहीं लगती। हालेलुया, और अगर हम 171 में पढ़े तो उसमें से लिखा है कि मेरे मुंह से स्तुति निकला करे क्योंकि तू मुझे अपनी विधियों को सिखाता है। हालेलुया, और 175 में लिखा है मुझे जिला और मैं तेरी स्तुति करूंगा, तेरे नियमों से मेरी सहायता हो। आइए आंखों को बंद करें, हम साथ में प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, इस सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं। पिछले दिन और रात अद्भुत तरीके से संभाला, सुरक्षित रखा, उसके लिए धन्यवाद। आपने हमें दिव्य आरोग्य के साथ जगाया, उसके लिए धन्यवाद। आज के दिन आप हमें जय के उत्सव में हमें लिए फिरते, उसके लिए धन्यवाद पिता। हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। आप विश्वास योग्य प्रभु, उसके लिए धन्यवाद। आपकी दया हमेशा किए, उसके लिए धन्यवाद पिता। हम आपके आराधना करते हैं पिता। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आपकी करुणा हमेशा की, उसके लिए धन्यवाद। आपकी विश्वास योग्यता हमेशा के लिए, उसके लिए धन्यवाद। आपका वचन कभी बदलता नहीं है, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया, आज के दिन ये संदेश सुनने वाले हर एक जन के लिए हम प्रार्थना करते हैं और यीशु मसीह के नाम से व्यक्तिगत तौर से उनको आशीषित करते हैं पिता। ये संदेश जब वो सुनते हैं प्रभु, वो स्वर्गीय अनुभव को वो अपने जीवन में अपना सके। हालेलुया, एक स्वर्गीय अनुभव उनके जीवन में हो, आपकी उपस्थिति को वो अनुभव करे, पवित्र आत्मा की भरपूरी से आगे बढ़ सके, पवित्र आत्मा की शक्ति को वो अनुभव करे। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से इनको आशीषित करते हैं। जो भी रोग से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। हर एक रोग की अवस्था से उनको चंगाई मिले। पेट में जो भी परेशानी है, यीशु मसीह के नाम से चंगाई प्राप्त करे। हालेलुया, पूर्ण तरीके से वो जो रोग जो उनके पेट में लाता है, यीशु मसीह के नाम से बाहर निकल जाए। हालेलुया, आर्थिक विषय में जो भार से है प्रभु, उनको आप छुटकारा दे। बच्चों के विषय में जो भार से है, यीशु मसीह के नाम से पिता उनको हम स्वतंत्र करते हैं। हालेलुया, हर तरीके के शैतान की नियंत्रण से यीशु मसीह के नाम से वो बाहर निकल आए। हालेलुया, शादी की उम्र से जो बच्चे जो है, जो माता पिता प्रार्थना करते हैं सही समय में पिता, आप उनके लिए शादी सब कुछ आप उनके लिए तैयार करते हैं, सही वर वधु आप उनको देते हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। दुनिया भर में आज के दिन हर एक कलीसिया में प्रभु आपकी उपस्थिति रहे पिता, आपकी प्रवृत्ति को देखने में और अनुभव करने में आप सहायता करते, उसके लिए धन्यवाद। और आने वाले दिनों में कल से जो है पवित्र आत्मा को अनुभव करने का जो स्पेशल मीटिंग आप हमें देते हैं, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। वो आत्मिक तौर से आगे बढ़ने में, पवित्र आत्मा को और अच्छे से जानने में आप सहायता करें, उसका कारण बन सके ये मीटिंग। हालेलुया, सारा आदर और महिमा पिता हम आपको ही देते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया, मेरे प्रिय लोगों की याद रखें, कल से 3 दिन का हमारा मीटिंग रहेगा। आप उसके लिए प्रार्थना करें आज के दिन। हालेलुया, कि पवित्र आत्मा
आत्मा को और करीब से जानने में और अनुभव करने में प्रभु की कृपा बनी रहे। हालेलुया। आइए वचन की ओर ध्यान देंगे, नीति वचन की किताब से 13वां अध्याय और उसका 20वां वचन। हालेलुया। उसमें से लिखा है, बुद्धिमानों की संगति कर तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथ ही नाश हो जाएगा। तो बुद्धिमानों के साथ रहने से हमें क्या मिलेगा? बुद्धि मिलता है। हालेलुया। जैसे कि हम सुनते हैं कि अच्छे सुगंध वाली कोई फूल अगर कोई पत्थर पे भी लग जाता है या कहीं पे भी होता है, वो पत्थर भी वो फूल का जो सुगंध है उसमें आ जाता है। हालेलुया। हम अपने घरों में देखते हैं। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग, वैसे ही हमारा भी अनुभव होना चाहिए। जिस तरीके से वो सुगंधित जो फूल है वो उस पत्थर के ऊपर पड़ा रहता है और उसमें वो सुगंध उसमें भी आ जाता है, वैसे ही परमेश्वर के जनों के लिए वो संगति किसके साथ रखे? जो परमेश्वर की ओर लुभाता है उनके साथ। हालेलुया। जैसे कि हम अपने बच्चों को भी किसके साथ उनकी संगति होनी चाहिए वो भी हमें सोचना और जानना चाहिए। हालेलुया। वचन लेकिन हमें ये नहीं सिखाता कि हम किसी के साथ हमेशा नाराजगी में रहे या किसी को भी हम हेट करें। हालेलुया। इसलिए हमेशा देखें कि विश्वास करने वाले जो विश्वासी जो जन है वो हमेशा विश्वासी के साथ रहे, लेकिन अगर अविश्वासी के साथ चलेंगे तो उनका विश्वास भी कम होता जाएगा, लेकिन विश्वास में जो वीर जो है उनके साथ रहेंगे तो हमारा विश्वास और बढ़ता जाएगा। प्रार्थना करने वालों के साथ चलेंगे तो हमारी प्रार्थना बढ़ेगी। हालेलुया। अगर हम कलीसिया से प्यार करने वालों के साथ रहेंगे तो हमें भी प्यार हम कलीसिया से बढ़ेगा। हालेलुया। लेकिन जो लोग बहुत ही ज्यादा आलस दिखाते हैं उनके साथ चलेंगे तो हम भी आलस होते जाएंगे। इसलिए हम अपनी जो रिश्ते जो हमारी है, संगति जिनके साथ है, वो हमेशा हमें देख के हमें चुनना चाहिए। आत्मिक तौर से भी, भौतिक तौर से भी ये वचन बहुत ज्यादा प्रधानता से हमें सिखाता है। हालेलुया। इसलिए आत्मिक तौर से अगर हमें बढ़ना है, एक कलीसिया में ही अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, विश्वासी लोग होते हैं, विश्वास में वीर होते हैं, आराधना करने वाले होते हैं, प्रार्थना करने वाले होते हैं, लेकिन ये कुछ ना होने वाले लोग भी हैं। ज्यादा कुछ विश्वास नहीं, लेकिन पिता को देखा, स्वर्ग में पहुंचना है बस इतना ही है, ज्यादा गाना नहीं गाए तो भी चलेगा, ऐसे सब बहुत कुछ सोच वाले लोग होते। लेकिन हमें जरा देखना है कि हमें किसके साथ और संगति रखनी है, कैसे लोगों के साथ संगति रखना है। हमेशा ध्यान दें, अगर प्रार्थना करने वालों के साथ रहेंगे तो वो बताएंगे हमें कि वो कितना प्रार्थना करते हैं, रात भर जो प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना में जो अनुभव होता है। हालेलुया। और फिर कुछ लोग होते विश्वास जिनका ज्यादा होता है और वो इसलिए वो विश्वास में बहुत कुछ चीजें अनुभव करते हैं, उनके साथ चलेंगे तो हम भी वो विश्वास में हम वीर बन सकते हैं। लेकिन अगर बुराई करने वाले लोगों के साथ चलेंगे तो हम भी बुराई करने वाले लगेंगे। हालेलुया। जो गलत काम करते हैं तो उनके साथ चलेंगे तो हम भी वो गलती में गिरने के हमारे जो चांसेस है वो बढ़ जाता है। इसलिए हमेशा देखें कि हमारे दोस्त कौन है। हालेलुया। जैसे कि कहा जाता है कि अपने दोस्त को दिखाओ तो पता चलेगा कि तुम कैसे हो, हम कैसे हैं। हालेलुया। हमारे दोस्तों को देखकर वो जान सकते हैं कि हम किस तरीके के व्यक्ति हैं। इसलिए हमेशा देखें हमारी रिश्ते किसके साथ है, हमारे बच्चों का रिश्ता किसके साथ है करके माता पिता को देखना जरूरी है। अच्छे दोस्त है क्या? हालेलुया। क्या उनकी हमारी जो दोस्ती हुई या हमारे बच्चों की जो दोस्ती किसके साथ है वो जरा जानना अच्छी बात होगी, क्योंकि पढ़ने वालों के बच्चों के साथ रहेंगे तो बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे, आत्मिक तौर से आगे बढ़ने वाले लोगों के साथ चलेंगे तो विश्वास में आत्मिक तौर से हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन मजाक करने वाले, दुनिया की चीजों को करने वाले लोगों के साथ या हमारे बच्चे चलेंगे तो वैसे ही हमारे बच्चे या हम भी जाएंगे। हालेलुया। इसलिए हम जरा देखें, माता पिता भी देखें, हमारे बच्चों की संगति किसके साथ है। अगर हम अपने जीवन में भी देखें, हमारे जीवन में हमारे माता पिता ने हमें बताया कि इनके साथ संगति ना रखें, तब शायद हमें बुरा लगा होगा, हमें गुस्सा भी आया होगा। लेकिन मेरे प्रिय लोग, हमारे माता पिता ने उस समय में हमसे कहा कि वहां मत जाओ, ऐसे मत करो, और ऐसे नियंत्रित में रखा, इसलिए शायद आज के दिन और इसलिए हमें परमेश्वर ने अब तक संभाले रखा। हालेलुया। इसलिए जैसे कि हम वचन में ये भी पढ़ते हैं
अविश्वासी के साथ हम विश्व किसी भी तरीके का संगीत ना रखें, हालेलुया, क्योंकि रोशनी के साथ अंधकार का क्या रिश्ता, हालेलुया। वैसे ही मेरे प्रिय लोग, विश्वासी के साथ ही संगति रहना चाहिए। जीवित परमेश्वर का हम मंदिर है, क्योंकि हम पहले कुरिन्थियों की किताब में पढ़ते हैं, और उसमें से उन लोगों के साथ, ये जो अविश्वासी लोगों से बाहर निकलकर हम जो अशुद्ध है उसको बिना छुए पिता परमेश्वर हमारा है करके यहोवा हमसे कहता है। इसलिए हमें किसके साथ संगति रखना है, किसके साथ हम चलते हैं, ये देखना जरूरी है। हालेलुया। भजन संहिता 1 में भी हम क्या पढ़ते हैं, धन्य कौन है जो दुष्ट के आलोचना में नहीं चलते हैं, हालेलुया, और जो परिहास करते हैं उनके साथ बैठते नहीं, लेकिन परमेश्वर में जिनको भय है, परमेश्वर को जो जानते हैं, परमेश्वर से जो प्यार करते हैं, विश्वासी जन के साथ हम चलने वाले होंगे तो हम भी वैसे होंगे। इसलिए बुद्धिमानों के साथ चलेंगे तो हम बेबुद्धिमान बनेंगे, विश्वासी के साथ चलेंगे तो विश्वासी हम बनेंगे, प्रार्थना करने वालों के साथ रहेंगे तो हम भी प्रार्थना करेंगे, उत्साह के साथ चलने वालों के साथ हमें भी उत्साह मिलेगा, पढ़ने वालों के साथ चलेंगे तो पढ़ने वाले होंगे, हालेलुया। इसलिए हमेशा देखें कि हमारी संगति किसके साथ है, हालेलुया। हम कलीसिया में जाते तो किसके साथ हम ज़्यादा हम संगति रखते हैं, एक दिन में हम किन से ज़्यादा बात करते हैं, ये सब हम ध्यान देखे दे मेरे प्रिय लोग, और एक लिस्ट बनाए, हालेलुया। आत्मिक तौर से अगर हमें कोई कमज़ोर करता है तो उनसे हम दूर होते जाए, हालेलुया। विश्वास के साथ अगर हमें आगे ना बढ़ने कोई दे तो हम पीछे होते जाए, हालेलुया, उनको हम दूर करें मेरे प्रिय लोग। हमारा रिश्ता, हमारे बच्चों के रिश्ते को भी हम जरा ध्यान दें, अच्छे विवेक के साथ, अच्छे बुद्धि वालों के साथ परमेश्वर हमें चलाए, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। मेरे साथ कहे, यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे और उनकी महिमा को प्रकट करेंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड एंड वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।